नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं तमाम क्षेत्रों की विशेष खबरें, बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को सशक्त करने की मुहिम जारी है। इस कड़ी में जौनपुर में आज 11वीं की छात्रा स्नेहिका गर्ग हरिहर सिंह पब्लिक स्कूल वाजिदपुर जौनपुर को थाना कोतवाली जौनपुर का प्रभारी बनाया गया। स्नेहिका गर्ग द्वारा पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तथा कार्य संपादित किया गया। स्नेहिका ने थाने पर आए फरियादियों की शिकायत को सरलतापूर्वक सुनते हुए उसके निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया। इस बाबत क्या कुछ कहा डॉक्टर संजय कुमार SSP जौनपुर ने, सुनवाते हैं आपको। क्या 17 दिसंबर 2020 को थाना शिग्रा मोग अंतर्गत दो घटनाएं लूट की 10 मिनट के अंतराल पर हुई थी, जिसमें सबसे पहले एक फेनो बैंक है जो उसका कर्मचारी है, वो पैसे की वसूली करके प्रतापगढ़ से लौट रहा था तो उससे 87,000 रुपया, उसका लैपटॉप, मेमोरी कार्ड उसका, सिम कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन, ये लूट किया गया था। और उसके ठीक 10 मिनट के बाद एक और व्यक्ति जो कि कुरियर का सप्लायर था, उसके साथ लूट घटना की गई थी। तो ये एक ही गैंग था और इसके सदस्य पहले पकड़े जा चुके हैं, जिसमें एक 25,000 का इनामिया भी था। उस समय ये भागने में सफल था। ये राजेश गौतम है, पुत्र चौथी राम, जो बरैया सिंगरा मोग रहने वाला है। इस पर पूर्व से 15,000 रुपये का इनाम घोषित है। पकड़े जाने के बाद इसने बताया कि मैंने एक मोटरसाइकिल भी चोरी की है, तो उसका मुकदमा लिखा हुआ है, तो वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। और 17 दिसंबर को जो लूट की घटना हुई थी उससे संबंधित इसका जो टैबलेट है, बायोमेट्रिक मशीन है, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, नंबर प्लेट, लूट का 1500 रुपया, एक चोरी की मोटरसाइकिल और तमंचा, ये बरामद हुआ है।